करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है सतना से, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि चार पहिया वाहन से अज्ञात कार्टून अंदर ले जाने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों के समर्थकों ने आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सपा प्रत्याशी रामोराम गुप्ता भी मौके पर पहुंचे हैं। इस दौरान प्रशासन ने दावा किया है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। एएसपी गौतम सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। IND24 नहीं करता वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि, तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सतना से, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें सबसे पहले IND24 आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एएसपी गौतम सोलंकी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता पुष्पराज। पुष्पराज, आपसे जानना चाहेंगे, सत्रह में स्ट्रांग रूम के बाहर अज्ञात लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अज्ञात कार्टून जो है वो अंदर ले गए हैं, और इस दौरान हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि IND24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या है? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव मतगणना के मद्देनजर यहां वेंकट वन भवन परिसर में निर्माणाधीन मतगणना स्थल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया। इस परिसर पर स्ट्रांग रूम में जिले की सभी 700 सीटों की ईवीएम के कड़े सुरक्षा पहरे में रखी गई थी। लेकिन पुष्पराज, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि दो लोग जो है वो कार्टून लेकर अंदर जा रहे हैं, क्या इस बात को लेकर कोई सफाई दी गई अभी तक प्रबंधन के द्वारा? जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर एसपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वे खाना लेके स्ट्रांग रूम में जा रहे थे। जो सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिसकर्मी लगे थे उनको खाना पहुंचाने के लिए जा रहे थे, और ये टोटल अफवाह है इस तरह से प्रशासन का कहना है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर भाजपा या बसपा की, हम बात कांग्रेसियों की हम बात करें, तो क्या उनके बयान अभी तक सामने आए हैं? और सपा और बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। काफी हंगामा देर रात होता रहा, लेकिन सवाल यह निकल के आ रहा है कि बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी वहां पर नहीं पहुंचे हैं।